मुझे ये जो स्क्रीन है ये आपकी डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और ये वाला है आइकन्स। इधर मैं टच करते वक्त हाईलाइट हो जाते हैं वो आइकन्स है, और ये नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल साइज में दिया है वो है टास्क बार, और ये स्टार्ट बटन है, इसमें क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू आ जाएंगे, और ये है स्टार्ट मेन्यू। और आपको नेक्स्ट मैं बोल के दूंगी ये सेलेक्ट, एक आइकन कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम ऐसे क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो गया, ये है सेलेक्ट। और इधर बाहर कहीं क्लिक किया तो वो डी सेलेक्ट हो गया है। और आपको नेक्स्ट है अरेंजिंग आइकन्स, आइकन्स कैसे अरेंज करना है, उसके लिए हम राइट माउस में राइट साइड क्लिक करना है, तब एक ऐसे आएंगे, उसमें व्यू में हम जाके ऐसे लार्ज आइकन में क्लिक किया तो वो सभी लार्ज आइकन बन जाता है, और नहीं हमें मीडियम में चाहिए तो मीडियम किया तो ये आइकन्स मीडियम बन गया, और वो आपको दिखाई दे रहे उधर चेंज हो रहे। और नेक्स्ट है सॉर्टिंग आइकन्स, उधर हमें सॉर्टिंग करना तो अभी नेम के हिसाब से सॉर्ट करना तो नेम क्लिक किया तो नेम के हिसाब से ही हो गया, और हमें साइज के हिसाब से तो साइज के हिसाब से, इधर आपको दिखाई दे रहे होगा इधर साइड वाइज चेंज हो रहे वो आप देखना है। और नेक्स्ट हमें आइटम टाइप के साइज से तो ऐसे भी कर सकता है। और नेक्स्ट है आपका कैसे एक आइकन ओपन कर लेता है, इसके लिए हम इसमें एक कौन सा हमें खोलना है वो जाके डबल क्लिक करना है तब वो खोलेंगे। और नेक्स्ट आपको बोला है कैसे बैकग्राउंड चेंज कर सकता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकता है, इसके लिए हम राइट बटन क्लिक करना है और पर्सनल में जाना है, और उसमें आपको पूछेंगे कौन सा पिक्चर डालना है, इसके लिए हम एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, वो पिक्चर आएंगे अभी बैकग्राउंड पे, आप देख लेना, ये देखो अभी तो बैकग्राउंड पे वो पिक्चर आया है, हम कौन सा पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे वही पिक्चर आ जाएंगे।